ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न सातत्य और अवकलनीयता से लिया गया है जो कि 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है कि जांच कीजिए कि फलन एक्स स्क्वायर, एक फलन दिया है हमें एक्स स्क्वायर, यह एक्स बराबर जीरो पर सतत है। ये हमें को बताना है कि ये फलन एक्स बराबर जीरो पर सतत है या नहीं। तो देखिए, एक फलन है हमारे पास एफ एक्स, ये है हमारा एक्स स्क्वायर, हमें एक्स बराबर जीरो पर सतत दिखाना है। तो यहाँ पर हम क्या करें, पहले उस बिंदु पर मान निकालें। तो एफ एक्स में एक्स बराबर शून्य रखने पर, एक्स की जगह हम क्या रखें, शून्य रखें, तो ये जाएगा हमारा एफ ज़ीरो बराबर हो जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो का वर्ग यानी ज़ीरो। ये दे दिया हमने समीकरण नंबर एक। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट ये होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स, यानी एफ एक्स में एफ एक्स की ज़ीरो पर राइट हैंड लिमिट। इसको निकालें तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स में एक्स की जगह ज़ीरो प्लस एच रखना होगा, तो रखने पर चलिए रखें। लेकिन जब ये फलन एच में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारी जो लिमिट है वह भी एच में कन्वर्ट होगी और हमें लिमिट दी है एक्स की, तो यहाँ एच की लिमिट निकालें। तो इसको निकालने के लिए यदि कैसे करेंगे, एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स का मान यहाँ ज़ीरो रखें तब हमें एच का मान मिल जाएगा ज़ीरो, तो मान रखें तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ज़ीरो प्लस एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ एक्स, यानी एक्स की जगह वहाँ पर रख दिया जाए जीरो प्लस एच, तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह रख दिया हमने जीरो प्लस एच, इसका हो गया हमारा स्क्वायर। जब और सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो में जब एच को जोड़ेंगे तो एच और इसका स्क्वायर, अब इसका मान रखें तो एच की जगह रख दिया हमने ज़ीरो, यह आया हमारा समीकरण नंबर दो। ये तो आई हमारी राइट हैंड लिमिट। अब निकालें हम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, तो इसका मतलब है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, इसका मतलब फलन एफ एक्स की एक्स बराबर ज़ीरो पर बाई सीमा अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके लिए हम क्या करें, एफ एक्स में एक्स बराबर रखना पड़ेगा हमें ज़ीरो माइनस एच रखने पर, चलिए इसको रखें, तो इसमें भी लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी एच की। यदि एक्स टेंड्स टू जीरो तब एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की जगह हम यदि जीरो रखेंगे तो एच का मान जीरो आ जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो मान रखें ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ, एक्स की जगह रखना है हमें ज़ीरो माइनस एच, ये होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और हमारे पास जो एक्स है वह एक्स स्क्वायर, तो ज़ीरो माइनस एच इसका होल स्क्वायर। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा हमारा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जब जीरो में से एच को घटाएंगे तो माइनस एच स्क्वायर, और माइनस एच स्क्वायर संख्या ऋणात्मक घात सम, आंसर आएगा इसका धनात्मक, तो ये हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर और एच की जगह हमें रखना है ज़ीरो, तो एच की जगह हमने रखा ज़ीरो, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर तीन। तीनों समीकरणों को मिला के देखें तो समीकरण एक दो व तीन से फलन का मान उस बिंदु पर अर्थात एफ ज़ीरो बराबर है हमारी राइट हैंड लिमिट बराबर है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब है इसीलिए दिया गया फलन तीनों बराबर हैं, तो दिया गया फलन एक्स बराबर ज़ीरो पर सतत है। यही हमें बताना था कि जो हमारा फलन है वह एक्स बराबर ज़ीरो पर सतत है या नहीं। ये 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवकलनीयता से लिया गया है,
यह 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न है क्या, आपको एक फलन दिया है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर 2x-3 यदि एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2 और 2x-3 यदि एक्स इज बड़ा है 2 से। ये आपको एक फलन दिया है, x बराबर 2 पर सतत नहीं है। हमें ये बताना है कि यह फलन x बराबर 2 पर सतत नहीं है। तो ये फलन सतत कब होगा, यदि इसकी x बराबर 2 पर इसका मान और इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इनमें से कोई भी एक आपस में बराबर ना हो, ये फलन सतत नहीं होगा। यदि ये तीनों बराबर हो जाती हैं तो फलन सतत होगा। देखिए ये फलन दो प्रकार से परिभाषित है, जब x का मान 2 लिया जाएगा तो हम एफ एक्स का मान 2x-3 लेंगे और x का मान 2 से छोटा लिया जाएगा तब हम 2x-3 लेंगे, लेकिन x का मान जब 2 से बड़ा लिया जाएगा तो फलन को 2x-3 मानेंगे। देखें कैसे, चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं उस बिंदु पर फलन का मान अर्थात x बराबर 2 पर फलन का मान। देखें यदि x बराबर है 2 तब एफ एक्स का मान जो लिया जाएगा एफ एक्स बराबर वो लिया जाएगा 2x-3। तो एफ एक्स का मान हमने लिख लिया 2x-3। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स में x बराबर 2 रखने पर, इसीलिए एफ एक्स में x बराबर 2 रखने पर, चलिए रखें तो हम रखेंगे एफ टू, एक्स की जगह 2 रखना है तो 2 और x के बीच कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान 2-3, या अगर 2×2=4-3, अर्थात एफ टू का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 7। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब निकालते हैं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालें, तो राइट हैंड लिमिट इसको हम कैसे लिखते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू काय पर दिखाना है 2 पर, तो इसको लिखेंगे 2+fx। इसका मतलब है फलन एफ एक्स की x बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट। इस लिमिट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स में x बराबर 2-h रखने पर, x की जगह हम क्या रखें 2-h रखें। चलिए तो x की जगह हम 2-h रखें, तो अब इसमें जब हम जो पूरा फलन कन्वर्ट होगा काहे में वो h में, तो जब हम h में फलन कन्वर्ट हो रहा है तो लिमिट भी हमें h की निकालना पड़ेगी। इसके लिए देखें कैसे लिखें, तो यदि x टेंड्स टू, x हमारा 2 पर जा रहा है क्योंकि x बराबर 2 पर दिखाना है, तो x टेंड्स टू 2, तो यहाँ x की जगह हम 2 रखें, 2 का पक्षांतर करें तो h का मान आ जाएगा 0, तब h टेंड्स टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x की जगह रखना हमें h, तो जाएगा एच टेंड्स टू 0 और एफ एक्स की जगह रखेंगे हम 2-h मान रखें 2-h, यानी इसमें कौन सा फलन लिया जाएगा 2-h, यानी 2 में h जुड़ रहा, यानी 2 जो x है वह 2 से ज़्यादा है, अर्थात ये x बड़ा है 2 से, यानी 2x-3 ये वाला फलन लिया जाएगा। और इसमें x की जगह क्या रखा जाएगा 2h, देखें ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर जो हमारा 2 गुणित x की जगह रख दिया जाएगा 2-h और ये ऋण ये हमारे पास 3। इसको और सॉल्व करें तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से जब इसका गुणा होगा तो 2×2=4, धन 2 का 2 h से गुणा होगा तो 2h-3। चलिए h की यहाँ पर वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जब हम h की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास है 4+2 गुणित एच की जगह हम रखेंगे 0-3, ये होगा 4+2 में 0 का गुणा करा 0-3। अब 4 में 0 जोड़ा तो 4 और 4 में से 3 घटाया तो बच जाएगा 1। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। फलन पर मान आया 7 और लेफ्ट राइट हैंड लिमिट जो हमारी आई वो आ गई हमारी 1। ये तो यहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये सतत नहीं है। फिर हम निकाल लें लेफ्ट हैंड लिमिट देखें ये क्या आती है, तो ये जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 पर दिखाना है तो 2-, ये लिखेंगे हम यहाँ पर एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करें, एफ एक्स में
एफ एक्स में एक्स बराबर टू माइनस एच रखने पर। चलिए हम x की जगह रखें दो ऋण h, तो कौन से फलन में रखा जाएगा, दो ऋण h यानी दो में से h कम हो रहा यानी दो से छोटा हो रहा, तो ये हम ऊपर वाले फलन में रखेंगे जो है 2x धन 3, क्योंकि उसमें कहा है कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, यानी जब x का मान 2 लिया जाए तो ये फलन लिया जाए और x का मान 2 से कम लिया जाए तो भी यही फलन लिया जाए। तो यहाँ पर भी हम x की जगह हम ले रहे हैं दो ऋण h। चलिए इसका मान रखें, तो हमारे पास पहले इसकी लिमिट निकालें, तो यदि x टेंस टू जीरो, x कहाँ जा रहा है हमारा, सॉरी दो की तरफ, तो दो पर सिद्ध करना h टेंस टू टू, तब h टेंस टू हो जाएगा हमारा जीरो, h का मान हो जाएगा हमारा जीरो। तो मान रखें, तो इसको लिख सकते हैं हम लिमिट h टेंस टू जीरो f, x की जगह रखेंगे हम टू माइनस h, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू जीरो और फलन लिया जाएगा 2x धन 3 वाला, तो 2 गुणित x की जगह लिख दिया हमने 2 ऋण h धन 3। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, 2 का अंदर गुणा कर दिया जाए तो 2 दूनी हो जाएगा 4 ऋण 2h धन 3। और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, 4 और 3 को जोड़ा तो हो जाएगा 7 ऋण 2h, h का मान रखें तो ये हो जाएगा हमारा 7 ऋण 2 गुणित एच की जगह रख दिया हमने 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 ऋण 0 बराबर हो जाएगा हमारे पास 7। यह है हमारा समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों समीकरणों को देखें, जब हम इसमें देखते हैं तो यहाँ लिखें समीकरण 1, 2 व 3 से f2 जो आया हमारा दो पर फलन का मान, ये बराबर आया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं आई बराबर काहे के राइट हैंड लिमिट के, तो इसीलिए दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत नहीं है, और यही हमें बताना था कि जो फलन है वह सतत है या नहीं।